Assalamualaikum. We are starting our work on waves. हमने इससे पहले जो कुछ क्लासेस रखी हैं इस हफ्ते में वो रखी हैं डिफॉर्मेशन पे. I'm starting from this question. What is meant by diffraction? सवाल पूछ रहा है कि बताओ डाइफ्रेक्शन का मतलब क्या है. इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, उनको एक एक करके एलिमिनेशन से करना चाहिए. पहला लिखा हुआ है द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी व्हेन अ वेव सोर्स मूव्स रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर. आपको पता है कि ये तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन है. फिर द फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड बाय टू प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सुपरपोजिशन है, स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन है. The spreading of a wave around the edge of an obstacle. जो waves होती हैं, जब उनके रास्ते में कोई obstacle आता है, तो वो उसके किनारों पे ऐसे करके bend हो जाती हैं और आगे जाती हैं. Superposition of two waves when they meet. ये interference है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अगर आपको diffraction की definition याद है तो फिर आप आराम से ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. अगला पढ़ो. अ ट्रांसमिटिंग मास्क सेंड्स आउट माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.5 किलोमीटर. A receiving aerial behind a mountain can detect the radio waves but not the microwaves. What is the reason for this? अब इसको पढ़ो. और ये वाला जो क्वेश्चन है, A transmitting mass sends out microwaves. एक का wavelength 1.5 है. अब इसको एक एक पढ़ लो. वो कह रहा है जो receiving aerial है mountain के पीछे, वहां radio waves तो पहुंच रही हैं, लेकिन वहां microwave नहीं पहुंच पा रही. Microwaves का ख्याल रखे कि microwaves का wavelength कम है और radio waves का ज्यादा है. मैंने एक concept समझाया था कि जब diffraction होती है तो कुछ waves ऐसी होती हैं जो obstacle से गुजरने के बाद मीट कर जाती हैं, दोबारा जुड़ जाती हैं. कुछ होती हैं जो वापस नहीं जुड़ती, अलग अलग रहती हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रेडियो वेव्स आर कोहेरेंट बट द माइक्रोवेव्स आर नॉट. अब इसमें कोहेरेंस का इशू आता है या नहीं, ये गौर से देखना होगा आप लोगों को. Radio waves are diffracted around the mountain, but the microwaves are not. जो ये पहला वाला ऑप्शन इसलिए गलत है कि रेडियो वेव्स और उसमें माइक्रोवेव में बेशक कोहेरेंस तो नहीं है, लेकिन कोहेरेंस का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि आपको इन दोनों में इंटरफेरेंस नहीं करवानी. एक सजेशन आ रहा है कि आंसर है बी. तीसरा भी देख लो, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द माउंटेन, ये भी लॉजिकली गलत है. वेव्स तो सारी ही रिफ्लेक्ट होती हैं, वेवलेंथ का रिफ्लेक्शन से ताल्लुक नहीं है. रेडियो वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये लॉजिकली गलत है. सारी ईएम वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं. वैसे एलिमिनेशन से भी बी आ रहा है. जो रेडियो वेव्स होती हैं वो माउंटेन के अराउंड डाइफ्रेक्ट कर जाती हैं. रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बड़ा होता है,
जो बड़े वेवलेंथ वाली वेव्स है ना वो आगे जाकर फिर जुड़ जाती हैं, लेकिन जो छोटा वेवलेंथ होता है वो अगर डाइफ्रेक्ट हो जाए तो वो फिर आपस में जुड़ता नहीं है। Which waves would best demonstrate diffraction through a door wave? Door की जो स्लिट होती है वो इतनी कोई नैरो नहीं होती, तो उसमें वो कह रहे हैं कि बताओ कौन सी वेव्स हैं जो डाइफ्रेक्शन शो करेंगी, वो होनी चाहिए जिनका वेवलेंथ जरा बड़ा हो। तो बताओ इस लिस्ट में सबसे बड़ा वेवलेंथ किसके पास है? एक्स-रेज तो बहुत ही नैरो होती हैं। देखो जो जो डोर की स्लिट होती है, दरवाजे की जो स्लिट बनी होती है वो बहुत नैरो नहीं होती, अच्छी खासी बड़ी स्लिट होती है, उससे रोशनी भी आती है। तो वहां पर कौन सी वेव्स हैं जो डाइफ्रेक्ट कर सकती हैं? वो वेव लेनी है जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो। जी आंसर नहीं आया अभी तक, आपको बताना है कि डोर में डोर की स्लिट बड़ी होती है। देखो जो वेवलेंथ होता है ना वो डिटरमाइन करता है, नैरो स्लिट होनी चाहिए कम वेवलेंथ के लिए। जहाँ वेव्स बड़ी बड़ी होती हैं वो तो दरवाजे से भी दरवाजे से भी वो डाइफ्रेक्ट कर सकते हैं वेव्स के मुड़ने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है, इसमें सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है वो साउंड है, आवाज जो है वो डाइफ्रेक्ट कर सकती है इतनी बड़ी स्लिट से। 185 टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सैटेलाइट एक्स ट्रांसमिट्स अ माइक्रोवेव पल्स टुवर्ड्स सैटेलाइट वाई, द पल्स टेक्स टाइम टू रीच वाई। Satellite Y then transmits a pulse of visible light through towards satellite X. What is the time taken for the pulse of light to travel X? अब इस तरह के सवाल trap होते हैं। All EM waves travel with the speed of light. चाहे वो microwave हो, light हो, सारी EM waves एक ही speed से travel करती हैं। जब एक ही speed से travel करेंगी, तो अगर उनको जाने में time लगा T, तो बताओ वापसी पर क्या टाइम लगेगा? स्पीड सबकी सेम है। अगर जाने में टाइम लगा टी तो आने में भी टाइम लगेगा टी। पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज शोन, जो एरो बनाया हुआ है
उस पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड रीजन, बीच में विजिबल लाइट है, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. मैंने आप लोगों से कहा था ना कि वेवलेंथ याद कर लीजिएगा. अब इसमें बताओ कि विजिबल लाइट की राइट साइड पे कौन होगा. लेफ्ट साइड पे तो अल्ट्रावायलेट नजर आ रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. तो बताओ राइट साइड पे क्या होगा. शेडेड रीजन जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से भी कम होती है. हाँ ये तो जज हो गया बिल्कुल सही, इंफ्रारेड. तो ये दो ऑप्शन तो हट गए. अब दो ऑप्शन अभी बाकी हैं. अब इसमें आपकी मेमोरी चाहिए कि आंसर क्या होगा. आंसर एक स्टूडेंट का है ए. अब ये याद होने चाहिए वेवलेंथ. द हॉर्न ऑफ अ ट्रेन इमिट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ वन. When the horn is sounding, the train moves directly towards a stationary person. ये डॉपलर आ गया. The speed of the train is 0.20 V, where V is the speed of sound. The frequency of the sound heard by the person is F2. What is the ratio F1 upon F2? Formula क्या होता है? F0 is equal to ये फॉर्मूला होता है ना. यहां पर क्या है, यहां पर F0 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व. तो ये है F0 और ये है FS. तो ये मांग रहा है FS अपॉन F0. अच्छा अब ये ना डायरेक्टली टुवर्ड्स द स्टेशनरी पर्सन, ये पर्सन की तरफ जा रहा है. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा. जब ये साउंड का सोर्स उस बंदे की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली बढ़ेगी. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो डिनोमिनेटर में प्लस लूं या माइनस लूं. मुझे बढ़ानी है. अगर प्लस लूंगा तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा. डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन कम हो जाएगी. इसको रीअरेंज करो. हाँ माइनस होगा. मैंने इस फॉर्मूला को यहां तक बनाया. इसने बोला है कि वो जो स्पीड है ट्रेन की वो 0.20 है. तो वो पुट कर दो. ये वर्किंग देखो. वर्किंग देखो पूरी. An emergency vehicle sounds its siren as it accelerates along a straight road
between two points x and y as shown in the diagram. The frequency of the sound emitted by the siren is this. This is fs. A person stands at x and another person stands at y. एक बंदा x पे खड़ा है और एक बंदा y पे है. जो बंदा x पर है उसको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, उसकी तरफ व्हीकल आ रही, नहीं सॉरी, उससे दूर जा रही है. तो इसमें मैटर ये करता है गाड़ी जा किस तरफ रही है. तो इसको लगेगा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और इसको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. अब तुम लोग मुझे आंसर बताओ. ये ऐसे आएगा. तो जिसकी तरफ ये जा रहा है ना व्हीकल, उसको लगेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. तो इसका आंसर, अब तुम लोग थ्योरी मैंने बता दी, अब इसका आंसर बताओ. जी, इसमें एक आंसर सजेस्ट हुआ है सी. सही है. द ग्राफ शोज हाउ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार वेरीज विद वेवलेंथ. In which region of the electromagnetic spectrum is the radiation of greatest intensity? Greatest intensity ये है. यहाँ पर read करना है और memory use करनी है, कुछ 200 के करीब है nanometer में. जो visible light होती है वो होती है 400 से 700 में. अब ये तुम्हें ना मैंने बताया था कि सारी वैल्यूज याद करके जानी पड़ेंगी. तो अब ये तो वैल्यू कोई 170, 180, 160 लग रही है देखने में ना. तो लेट्स से कि ये 170 नैनोमीटर है. तो 170 नैनोमीटर का मतलब हो गया 170 × 10⁻⁹ - 9. मैंने कन्वर्ट किया. अब आप में से जिन्होंने वैल्यूज याद की हैं वो मुझे बताओ कि इसमें कौन सी वैल्यू होगी. अच्छा, इसमें एक सजेशन आ रहा है सी. ये मेमोरी असल में, और इसमें एक लॉजिक है कि 400 से 700 ये तो विजिबल लाइट है. विजिबल लाइट के इस तरफ आ जाओ, लेस वेवलेंथ वाली साइड, तो तीन ही ऑप्शन होते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस और गैमा रेस. गैमा रेस तो ऑप्शन में नहीं थी, अल्ट्रावायलेट ऑप्शन में है और एक्स रे. तो ऑप्शन सी और डी बनता है. अब इसमें अगर आपने याद किए हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा. A sound wave is displayed on the screen of a CRO as shown. The time base of the CRO is set at 2.5 milliseconds per centimeter.
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव? इसमें देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो टाइम पीरियड का फ्लिप होती है. ऐसा करते हैं कि पहले लेट्स फाइंड आउट द टाइम पीरियड. अब इसमें मेरे पास दो तीन चार, आई हैव फोर आउटकम्स, आई हैव फोर यूनिट्स, फोर डिविजन्स. तो ये मेरे पास डेटा है, तो मैं पहले करता हूँ 4 × 2.5 I got the time period. Frequency is 1 upon time period, 1 upon 10 into 10 is to power minus 3. दो लोगों ने आंसर दिया है बी. The displacement time graph for an air particle in the path of a sound wave is shown. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है. आप देख रहे हैं ग्राफ थोड़ा हिल रहा है, यानी इसका टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है. विच प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव मस्ट बी इंक्रीजिंग? आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल करीब आ रहा है, तो टाइम पीरियड लग तो रहा है कि कम हो रहा है. देखने से लग रहा है कि टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. एम्पलीट्यूड तो नहीं बदल रहा, स्पीड के बारे में कुछ कह नहीं सकते. स्पीड वो कह रहा है इंक्रीजिंग, तो टाइम पीरियड तो कम हो रहा है, तो ये भी हट गया. बी और डी में ऑप्शन है. अच्छा मैंने एक मिस कर दिया है क्वेश्चन. हाँ सही है, सॉरी आई हैव मिस्ड अ क्वेश्चन. इसका आंसर बताओ. इसका आंसर है बी. Approaches a stationary observer, the 1300, इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो ये है. अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर को लग रहा है 1500 और ये है V. निकालना क्या है? वी एस. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ ऑब्जर्व इज इक्वल टू एफ एस वी अपॉन वी प्लस माइनस वी एस. 165. अब आप ये देख लो कि प्लस आएगा माइनस आएगा. अप्रोच का केस है. अप्रोच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए. जब फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए.
तो फॉर्मूला में माइनस ले लो नीचे। अब तुम्हारे पास सारा डेटा है, अब इसको एहतियात से रीअरेंज करो। ये वर्किंग है। अब इसमें कुछ लोगों ने आंसर दिया है ए। अब ये तो आप लोग कैलकुलेशन करके दो तो पता चलेगा, मैंने यहां तक तो कैलकुलेट किया है। Many people are now suggesting part option A. When sound travels through air, the air particles vibrate. A graph of displacement against time for a single air particle is shown. Which graph shows the kinetic energy of the air particle varies with time? अब ये सवाल थोड़ा challenging है, क्योंकि जब ये air particle vibrate करता है, जब भी कोई चीज vibrate करती है तो ये vibration है। Vibration करते वक्त ये होती है मीन पोजीशन, और पार्टिकल इधर आएगा दूसरी तरफ जाएगा, तो मीन पोजीशन पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, अब पार्टिकल ने यहां से शुरू किया है, पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर है तो यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे आकर मैक्स होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो जाती है। अब तुम्हें शुरू कैसे करना है, पहले देखो कि स्टार्टिंग जीरो से होनी चाहिए। ग्राफ ने शुरू किससे किया है, इसने जो ग्राफ शुरू किया है वो शुरू किया है एक्सट्रीम पोजीशन से, बाहर वाली पोजीशन से, यहां से या यहां से शुरू किया, तो यहां तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ऑप्शन बी और डी हैं। टी का मतलब है टाइम पीरियड, जब एक साइकिल पूरा होगा तो ये देखना पड़ेगा कि वो अगर यहां से चला इधर से और इधर वापस आ गया तो ये एक साइकिल है। एक साइकिल में जीरो कितने हैं ये देखो, एक साइकिल में एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है और तीसरा जीरो यहां पर है, तो देयर आर थ्री जीरोस इन वन साइकिल, तो सी और डी में सेलेक्ट करो। नहीं, ए, अच्छा बी, एक स्टूडेंट का कहना है बी, मैंने कहा देयर आर थ्री जीरोस इन वन साइकिल,
जो बी है उसमें तुम नोट करो, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। डी में तीन जीरोज हैं। Two waves x and y have the same frequency. The amplitude of x is 1.5 a naught and the amplitude of y is 2.5 a naught. The waves meet at a point and superpose to form a resultant wave. Formula yaad karo, I1 upon I2 is equal to a1 upon a2 ka square. डेसिमल और डेसिमल भी कट जाएगा। आंसर मैच नहीं कर रहा, एक सेकेंड, आंसर मैच नहीं कर रहा, गलती हो रही। उसने बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, अच्छा ये मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड मैंने ओवरलुक किया है, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड ओवरलुक किया। असल में जब मैक्सिमम होगा तो दोनों के जो एम्पलीट्यूड है वो एड हो जाएंगे, तो दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, 1.5 ए नॉट प्लस 2.5 ए नॉट और यहां होगा 1.5 ए नॉट माइनस, ये इसकी वर्किंग है। इनको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 1.5 और 2.5, 4 ए नॉट माइनस कर दो तो बन जाएगा 1, ए नॉट काट दो हाँ, डी इज द राइट आंसर। Waves in deep water, G is the acceleration.
अब देखना ये पड़ेगा कि फॉर्मूला में तो जो इसने फॉर्मूला दिया है उसमें तो लैम्डा लैम्डा तो है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी कैसे लाएंगे? या तो हम ये सोचें कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। सर जो फॉर्मूला इसने दिया है उसमें तो v स्क्वायर है। v क्या चीज है? ये वेलोसिटी होनी चाहिए। हाँ वो तो स्पीड है। अगर मैं यहां पर v को रिप्लेस कर देता हूं, इस ऐसा करता हूं v को यहां रखता हूं तो f लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g लैम्डा अपॉन 2 पाई f स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू g लैम्डा अपॉन 2 पाई। एक एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा, एफ स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जी अपॉन 2 पाई। फिर लैम्डा उस तरफ ले जाते हैं तो जी अपॉन 2 पाई इंटू 1 अपॉन लैम्डा। मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन आपके सामने की है, अब आप इसको देखें और मुझे बताएं जी और 2 पाई तो कांस्टेंट हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वाई। अब ये देखकर ही पता चल सकता है वेव एक्स का डेटा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब ये जो वेव एक्स है इसका जब एक साइकिल है, अगर मैं यहां से देखूं ना तो ये इसका एक साइकिल है, मैं इसको कह देता हूं टी एक्स। उसमें जो y वाली वेव है उतने पोर्शन में तुम देखो तो उसका तो आधा साइकिल है, उसका उतनी स्पेस में उसका आधा साइकिल है। अगर उसका आधा साइकिल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इसके मुकाबले में हाफ हो जाएगी। टाइम पीरियड उसका डबल है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। एम्पलीट्यूड देख के नजर आ रहा है इसका एम्पलीट्यूड ए है और वो जो एम्पलीट्यूड दूसरा वाला है वो ये है, ये मैंने हाईलाइट कर दी। अब तुम लोग मुझे बताओ नजर आ रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड डबल होगा वाई का। एम्पलीट्यूड डबल करूंगा तो मेरे पास फिर ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे। अब बी और डी में सेलेक्ट कर लो, टाइम पीरियड डबल है, वाई का टाइम पीरियड डबल है तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी।
चलो यार आंसर सजेस्ट करो। सही है, आंसर आ रहा है बी। चले आज का काम यहीं तक है एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।